सो वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम वर्सेस आपका एनालिसिस। देखिए आप कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं और मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया है और बैंक निफ्टी को ही मैं स्टडी करता हूँ। तो देख सकते हैं मोस्टली रूप से जो ये लेवल था 43,400 का लेवल, यहीं से बड़ा मोमेंटम आया था। यहाँ पर कंटिन्यू चार कैंडल ऊपर गया था, ठीक है। इसी प्राइस पे यहाँ पर पुराना भी सपोर्ट भी था, ये दूसरा बार भी यहाँ पर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड करना शुरू कर दिया, ठीक। एक ट्रेड लाइन बनाना है, यहाँ पर ट्रेड लाइन बना, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये टाइम फ्रेम आपका है डेली टाइम फ्रेम। अब मार्केट चल रहा है केवल डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये साइडवेज बना, एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट बना, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर ये सपोर्ट था प्राइस का। तो जब भी बड़ा पैसा बनता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट होना चाहिए और प्राइस जो है ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस हो और ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो नीचे की तरफ, तो ये बड़ा पैसा इसमें बनता है। तो हमेशा याद रखें कि ये टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम में मार्केट चल रहा है और ये डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम का इसमें टारगेट आप लोगों को दिखाने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाना है, तो प्राइस को फिर यहाँ पर आ सकता है, यानी कि ये 44,400 इसके ऊपर निकलेगा तो ये यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा। पर अब देखते हैं कि इसमें हो क्या सकता है। चलिए अब इसको मैं आप लोग को टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूँ। अब इसमें डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है मार्केट, तो हमें 30 मिनट या फिर आवर्ली टाइम फ्रेम में एंट्री करना चाहिए। ये देख सकते हैं ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, आवर्ली का टाइम फ्रेम लगाया है। अब अपने सिस्टम कहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए परफेक्ट काम किया है यहाँ पर, सिस्टम का परफेक्ट काम किया है और उसी के अनुसार यहाँ पर टारगेट देखने को मिल रहा है। अब इसको आप 30 मिनट भी करेंगे तो 30 मिनट में भी आपको परफेक्ट समझ में आएगा। देखिए 30 मिनट में वही सिस्टम काम किया है। अब 15 मिनट में भी ये सिस्टम वहीं पर काम किया है। देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट आया है और सिस्टम जो है ना, फर्स्ट करेक्शन 20 पीरियड क्या है, उसके बाद ये मोमेंटम आया है। और कंटिन्यू इसके ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो आपको और ये समझ में आने लगेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए आप लोग को मैं समझा देता हूँ। ये देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और फिर ये यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है ना पुराने दिन की, उसको ही सपोर्ट बनाता है, फिर ऊपर जाता है और इसी तरीके से मोमेंटम है। फिर ये गैप अप ओपनिंग होता है, यहाँ पर सेलिंग आता है, ये जो लेवल है उसको सपोर्ट का काम करता है, फिर ऊपर जाता है, उसके बाद जो है ना साइडवेज हो जाता है। सेम यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद जो इसको सपोर्ट बनाया, फिर ये जो रेंज में फंस गया, ठीक है, यानी कि ये साइडवेज टू अप ट्रेंड में फंस गया। तो इस प्रकार से केवल गैप अप ओपनिंग वाले को ही पैसा दे रहा है जो होल्ड करके रखें, यानी कि मार्केट चल रहा है आपके स्विंग ट्रेडिंग के अनुसार चल रहा है मार्केट, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है। टाइम फ्रेम बड़ा इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है ना डेली टाइम फ्रेम का इसमें ब्रेकआउट आया है। जैसा कि देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट आया है मार्केट में, ठीक है। तो इसके आधार पर आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके आधार पर ही टाइम फ्रेम के अनुसार ही टारगेट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब आते हैं पिवट पॉइंट के। देखिए सेम तरीक़ा से इसमें आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट कैसे काम कर रहा है। जहाँ पर ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट एरिया है वो पिवट एरिया है, यानी कि POC पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हुए इसी भाव पे, ठीक है। उसी भाव पे यहाँ पर मोमेंटम पिछली बार भी आया था, लेकिन ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके गया है तो ये फास्ट मोमेंटम आ रहा है और ये R1 को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो R1 यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जो है 44,400 के लेवल जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब लेवल दिख रहा है आपका R2 के पास पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय बाकी है। इसके बाद आप क्या आ रहा है नीचे की तरफ टारगेट R3 का। चलिए इसको मैं हल्का सा कर देता हूं। तो ये लेवल आप लोग को देखने को मिलेगा, ये सकते हैं 45,670 का लेवल, तो ये R3 का लेवल है, ठीक है। तो हम लोग टाइम फ्रेम के अनुसार देख रहे हैं टारगेट को, और ये कंटिन्यू जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेवल में थोड़ा रुक सकता है R2 में, नहीं तो ये सीधा आपके R3 तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये मोमेंटम बना सकता है। अगर 44,000 यहाँ पर प्राइस इसमें बनाता है तो अलग बात है, नहीं तो ये सिंगल शॉट में भी जा सकता है क्योंकि ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करके जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम करेंगे तो देखिए बड़ा सा कैंडल बन रहा है यहाँ पर और वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो ये लेवल आपका रहा है R2 यानी कि R1। R1 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर मैं हो सकता है कि मार्केट जो है आपको धोखा दे दे, तो इसलिए ये टाइम फ्रेम को मैं अवॉइड करना चाहूँगा। वीकली को आपको डेली को देखना है और उसके बेस पर देखिए कितना बड़ा ये कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मुझे लग रहा है ये एंगल है प्राइस का, इसी एंगल में जाएगा ये लग रहा है, ठीक है। ऐसे तो सीधा नहीं जा सकता वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है, तो ये इसके अनुसार ही यहाँ पर जाना चाहिए। तो ये इस टाइम फ्रेम को अवॉइड कीजिए, डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लेवल आ रहा है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि टाइम फ्रेम कैसे काम करता है और बड़े टाइम फ्रेम को ही मार्केट सपोर्ट करता है। तो इसके अनुसार आप मोमेंटम देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जब भी पिवट पॉइंट लगाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का डे हाई और क्लोजिंग प्राइस के कैलकुलेशन के आधार पर होता है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं ये पिवट से ब्रेकआउट आया था, डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर तो 30 मिनट से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक, 30 मिनट से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक पिवट जो है ना सेम बताता है। अब जैसे अब इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे में आप लोग को पिवट पॉइंट जो है ना वो बताएगा आप लोग को 15 मिनट के हिसाब से देखना, ये अलग बताएगा। ये देखिए क्योंकि ये पुराने दिन के डे हाई और डे लो के क्लोजिंग प्राइस के अनुसार ना इस रेंज के कैलकुलेशन के आधार पर ना ये पिवट बनता है जो डेली टाइम फ्रेम का होता है, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट वाला, ये अलग टाइम फ्रेम होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मार्केट ने कैसे काम किया। सपोर्ट वन R1 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर प्राइस ने R2 के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद जो है ना ये R3 को ब्रेक किया। सेम तरीक़ा से 3 दिन भी देखेंगे ना तो यही चाल यहाँ पर चल रहा है। 3 दिन देखेंगे, जैसे अब इसको मैं पिवट पॉइंट को चेंज कर देता हूँ, इसके 3 दिन को बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें लगा लेता हूँ मैं 3 दिन का, ओके करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। अब 3 दिन की स्टडी करते हैं, 3 दिन का पिवट पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइस देखिए R1 पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पर भी R1 पे सपोर्ट लिया प्राइस ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये R1 पे, ये R1 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में फिर ऊपर गया R2 के ऊपर गया, ठीक है। फिर ये अगले दिन R3 के आसपास गया ये, ठीक है। फिर सेम तरीक़ा से R3 के आसपास गया। फिर इधर अब पीछे देखते हैं तो पीछे आपको भी समझ में आने लगेगा। इधर देखते हैं तो इधर भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए R1 के ऊपर सपोर्ट लिया, ये R1 R2 को रेजिस्टेंस खाया, फिर इसको ब्रेक करके ये R3 के पास सीधा ब्रेक किया। तो ये 3 दिन से एक ही चाल चल रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है और ये इस सेम पीरियड को फॉलो कर रहा है। तो अलग अलग एनालिसिस करने का नज़रिया है, तो ये नज़रिया आप लोग सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा रोल है, तो हमेशा याद में रखिए कि टाइम फ्रेम ही किंग है इस मार्केट में, टाइम फ्रेम के अनुसार ही आपको टारगेट मिलेगा। तो ये रहा आज का वीडियो। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।